कि ये डबल इंजन सरकार पहले मनोहर पर्रिकर जी ने चलाई, ये प्रमोद जी ने चलाई, इसने गोवा के अंदर विकास के ढेर सारे काम समाप्त किए। अब आगे गोवा को एक समृद्ध, सुंदर और सलामत प्रदेश बनाने की जरूरत है। 2022 का चुनाव इसका चुनाव है। राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी पूछना चाहता हूं, गोवा ने कांग्रेस पार्टी को मित्रों बताना मुझे मौका दिया था या नहीं दिया था? जरा जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? अव्यवस्था, अस्थिरता और अराजकता के सिवा कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं दिया। दिगंबर कामत हमारे यहां से ही वहां गए। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि अगले 5 साल में आपका विकास का खाका लेकर आइए, आप गोवा के लिए क्या करोगे? अगर विकास का खाका जब लेकर आओ तब ये भी लेकर आना कि आपकी सरकार थी तब आपने क्या किया था। पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए आपको? जरा जोर से बोलो भैया, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए? हमारा मकसद है गोवा को गोल्डन गोवा बनाना, मनोहर पर्रिकर के स्वप्न को साकार। विकास के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मोदी जी ने एक स्पेशल पैकेज के तरह हमारे मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया दिया है। गोवा टेलीकॉम इंडस्ट्री, मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ावा देने के लिए एक पूरी संकलित योजना बनाई, 144 टावर पूरे ग्रामीण गोवा में फैला दिए हैं, जिससे कनेक्टिविटी 95% तक पहुंचने की संभावना है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने गोवा को यहाँ पर ब्रिक्स की 15 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के पास यहाँ लाकर गोवा के टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ढेर सारी फ्लैगशिप योजनाएं, गरीबों की योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, गरीबों के घर में शौचालय बनाने हो, 1.5 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनाने का काम हुआ। जल जीवन मिशन, 263,000 परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम हुआ है। सौभाग्य योजना के तहत 1.28 लाख गरीबों के घर में आजादी के बाद पहली बार बिजली पहुंचाने का काम हुआ है। पुलिस की संख्या 50% बढ़ा दी है, थानों की संख्या में 25 नए थाने बनाए हैं, और सबसे बड़ा अचीवमेंट है प्रमोद सावंत सरकार का कि अपराध की दर में 50% की कटौती, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। जब से गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तब से गोवा के अंदर राजनीतिक स्थिरता आई, और तभी से गोवा के अंदर विकास का शासन आया है, विकास हुआ है। हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा, और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। उनको एक पर्यटन स्थल चाहिए आने जाने के लिए, वैकेशन बहुत करते हैं उनके नेता। डबल इंजन की जो सरकार होती है इसका फायदा क्या होता है मित्रों? ये डबल इंजन सरकार का फायदा देखिए, 2013-14 में गोवा को कांग्रेस सरकार ऊपर थी, गोवा को 432 करोड़ रुपया दिया था। कितना दिया था जरा जोर से बोलोगे, और जोर से बोलो। मैं पूछना चाहता हूं दिगंबर कामत और राहुल बाबा को, आपकी सरकार ने सिर्फ 432 करोड़ रुपया लिया था? हिसाब लेकर आइए। मैं हिसाब लेकर आया हूं, अंतिम बजट में मोदी जी ने गोवा को 432 करोड़ से बढ़ाकर 2567 करोड़ रुपया, 2567 करोड़। इसको कमिटमेंट, इसको डबल इंजन सरकार का चमत्कार। गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने ढेर सारे काम किए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण लगभग 3,000 करोड़ की लागत से, हाल ही में विमान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन भी कर दिया गया। मंडोवी नदी पर 4 किलोमीटर का 4 लेन का अटल सेतु ब्रिज बनने की शुरुआत, न्यू जुवारी ब्रिज
13.64 किलोमीटर की लंबाई का 2700 करोड़ की लागत से बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। ठंडेपार ब्रिज तथा गलमी बाग तलकोना ब्रिज ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में शुरू हुई। मित्रों, मनोहर पर्रिकर केनाकोना बाईपास हाईवे जनता के लिए खोल दिया गया। गोवा में राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने के लिए स्पेशल किसी भी राज्य में नहीं दिया है, 6000 करोड़ रुपए का फंड देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी में है। गर्व है कि सबसे पहले वैक्सीनेशन का काम 100% से भी ज्यादा समाप्त करने का काम प्रमोद सावंत की सरकार ने, और उन्होंने गोवा को सुरक्षितता प्रदान कर दिया और युवाओं का डोज भी बहुत अच्छे तरीके से लग रहा है। विद्यार्थियों के ट्यूशन फी में तकनीकी शिक्षा संस्थाओं में 50% की कमी करी है, जिससे टेक्निकल एजुकेशन में मध्यम वर्ग के युवा भी पढ़ पाए। विद्यार्थी और शिक्षक स्टूडेंट टीचर रेशियो देश में गोवा दूसरे नंबर है। मित्रों, दूसरे नंबर है, इसका मतलब है एक भी टीचर की जगह खाली नहीं रही। मित्रों, ये जो आए अलग अलग पार्टियां आई है, उनको जरा पूछिए कि आप गोवा को क्या दे रहे हैं। गोवा की जनता के वोट देते हैं, वोट मांगते हैं, गोवा की जनता आपको वोट जरूर दे, मगर गोवा के विकास की आपकी योजना एजेंडे में कुछ नहीं है। हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, अरे भैया जितना कहा है आपको, तो वादा करने में कोई कंजूसाई करेगा? बताओ, करेगा? सीट तो आनी नहीं, वादा करने में क्या, वचन देने में कुछ आई मुद्दा रखनी चाहिए। तो सारे कुछ वचन दे देते, उनको मालूम है सीट आनी नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है। उनको पूछना चाहिए गोवा के विकास के लिए क्या योजना, गोवा के युवा के लिए क्या योजना, गोवा की सुरक्षा के लिए क्या योजना, गोवा के गरीब के लिए क्या योजना, गोवा के आदिवासी के लिए क्या योजना, गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या योजना, कुछ नहीं है। पूरा उनका घोषणा पत्र देख लो, एक रोड बनाएंगे ना, नया एयरपोर्ट लाएंगे ना, शिपयार्ड में एक्सपांशन करेंगे ना, टेलीफोन टावर का जाला बुन लेंगे ना, यहां इंडस्ट्री लगाएंगे ना, वचन ही देना है। समझ रहे हो ना किसको कह रहा हूं मैं? समझ रहे हो या नहीं रहे हो? मगर वो वचन इसलिए दे रहे हैं कि उनको मालूम है यहां सरकार बननी भी नहीं है, वचन पूरा करना भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल, हम रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी, हम देश के विकास में विश्वास करते, हम देश के विकास को आगे ले जाने वाले लोग। मोदी जी ने भारत को 7 ही साल में बहुत आगे ले जाने का काम किया। 11वें नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था थी, 5वें नंबर पर ले जाने का काम सिर्फ 6 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही कहती है, जो कर सकती है हमने गलत पदे कभी नहीं। लास्ट टाइम में पार्टी का अध्यक्ष था, आप हमारा चुनावी एजेंडा उठाकर देख लीजिए, चुनावी एजेंडे के 92.8% काम हमने समाप्त कर दिए हैं और अब हम